गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूक्लियो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बारे का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पहले आप लोगों को दे चुके हैं। अब आज हम न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे बनते हैं या कैसे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड उस होते हैं वो पेंटोज शुगर कभी कभी ये सेलेक्ट हो जा रहा है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड से मिलके बना होता है, ठीक। अब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजिनस बेस का स्ट्रक्चर क्या है और फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है या केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आज इनको कैसे जोड़ना है इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक, और मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहीं से एक होता है कार्बन नंबर 5 जहाँ पे CH2OH होता है, ठीक। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका कार्बन नंबर 1 पे जो यहाँ पे OH ग्रुप होता है और H ग्रुप होता है, ठीक। ऐसे पेंटोज शुगर जिस पे OH ग्रुप ऊपर होता है उसको बीटा कहते हैं, बीटा फॉर्म कहते हैं, और जब OH आपका बिलो द प्लेन होता है उसको अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो इसका और जो भी न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड यूज होता है उसमें बीटा फॉर्म यूज होता है, इसलिए हमेशा जो OH ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब इससे OH ग्रुप से मैंने बताया था कि पहले बीच में जो बैकबोन की तरह होती है वो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, और पेंटोज शुगर के इधर क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। इसको आप एज ए रफा भी हम बता रहे हैं कैसे नाइट्रोजिनस बेस होता है, और इस साइड में जो जुड़ता है वो आपका फास्फोरिक एसिड होता है, क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। इस तरीके से एक कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जैसे कि अभी तो मैंने एक का केमिकल स्ट्रक्चर बताया, अब नाइट्रोजन बेस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ हटा देते हैं। जैसा कि कल मैंने जब नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया था तो मैं बताई थी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन दो टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है, मैंने ये आपको बता चुकी हूँ। प्यूरिन का जो आपका कार्बन नंबर, प्यूरिन में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होता है, 1 पोजीशन पर होता है, 3 पोजीशन पर होता है, 5 पोजीशन पर होता है, 7 पोजीशन पर होता है और 9 पोजीशन पर होता है, और पिरिमिडिन में केवल मैंने बताया था 1 और 3 पोजीशन पर होता है, ठीक। तो जब यहाँ से ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ से इस हाइड्रोजन से क्या जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन से यदि वो प्यूरिन है, दिमाग में लगा के रखिएगा, यदि वो प्यूरिन है तो यहाँ पे कार्बन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, एक फर्स्ट कार्बन से कौन सा जुड़ेगा, 9 नाइट्रोजन जुड़ेगा यदि वो प्यूरिन है तो, ठीक। और यदि ये यहाँ पे पिरिमिडिन है तो 1 कार्बन से कौन सा जुड़ेगा, 1 नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। ये इंफॉर्मेशन मैंने जब नाइट्रोजन बेस पढ़ा रही थी तो मैंने पूरा डिटेल से दिया था, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 के जो हाइड्रो OH ग्रुप है उससे यदि प्यूरिन है तो कार्बन नंबर 1 और 9th वाला जो पोजीशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये स्ट्रक्चर है, याद है कुछ इस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आप लोग को, ये क्या थी, ये क्या है, ये आपका प्यूरिन है, और यदि सिंगल रिंग है तो ये आपका
पिरिमिडीन है, ये मैंने बताया था, और इसकी पोजीशन भी मैंने सारी बताई थी कि किस पे कौन सा, कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन बेस है किस किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब इस, अब ये तो हो गई हमारी नाइट्रोजनस बेस की बात, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन बेस में एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब आ जाते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसको भी मैं इरेज करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ओनली फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर नहीं लिखा। अब मैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर, पी बीच में होता है, इधर OH डबल बॉन्ड, यही आपकी फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 कार्बन पे, इसको थोड़ा सा दूसरे टाइप से हम लिख देते हैं, ये कार्बन हो गया, ठीक है, और इधर OH हो गया, मैंने बताया था CH2OH होता है, तो CH2 और एक यहाँ पे CH2OH हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे CH2OH, मैंने कहा ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, OH CH2 ये हो गया, सॉरी एक मिनट, CH2 नहीं, ये रहा, एक मिनट CH2OH, क्लियर, यहाँ पे OH है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्लियर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए आपने कभी भी पढ़ा होगा, तो जैसे कि मैं आपको एक बार, जैसे ये पेंटो सुगर और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या नाइट्रोजन, जब ये आपस में मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है, यहाँ पे बता रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड जो होता है क्या होता है, अगर इसमें से आप फॉस्फोरिक एसिड निकाल देते हो, ठीक, तो जो बचता है वो आपका क्या बनता है, वो आपका न्यूक्लियोसाइड है। तो देखिए इधर इतने स्ट्रक्चर को देखिए, तो पेंटो सुगर प्लस नाइट्रोजन बैलेंस है, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड है, क्लियर, न्यूक्लियोसाइड है। अब जैसे ही इस न्यूक्लियोसाइड में आप क्या करोगे, पेंटो सुगर को जोड़ोगे, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, न्यूक्लियोटाइड के, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ा किसे, पेंटो सुगर से, किसके द्वारा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये था न्यूक्लियो। अब ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो, अब इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, यहां तक क्लियर है, न्यूक्लियोसाइड समझ में आया, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें जब मैं न्यूक्लियोटाइड पढ़ा रही थी, इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मैंने वहीं पे आपको सब बता दिया था, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आपको बता दूं, मैं इसको इरेज कर रही हूं फिलहाल, अभी आप इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपने सुना होगा एटीपी, क्या है एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एडिनिन, प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिनिन जुड़ता है तो ये पूरे को एडिनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो अगर यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये अगर ट्राई कंडीशन में, अगर एक है तो मोनो कंडीशन में, दो होगा तो डाई कंडीशन में, तीन होगा तो ट्राई कंडीशन में। तो मान लो यहाँ पे सपोज दैट मैं पूरा नहीं लिखे, फार्मूला ऐसे लिख देती हूँ पी, ठीक है, यानी कि तीन फॉस्फोरिक एसिड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके पेंटो सुगर से। तो इस वाले फॉर्म बॉन्ड को, जो इन दो बॉन्ड है, जो इसको छोड़ कर के दो बॉन्ड है, उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये फॉस्फो, देखिए ये बॉन्ड ये हम कभी भी नहीं टूटता है,
ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप एटीपी जानते हो, जब एटीपी से एक टूटता है, एक फॉस्फेट बाहर निकलता है तो एडीपी बनता है, ठीक। और अगर एडीपी से एक फॉस्फेट बाहर निकला तो एएमपी बनता है, मोनोफॉस्फेट बनता है, ठीक। तो मोर अब देखिए, ये अगर ये दोनों देखिए, पहले था एक था, फिर दो था, फिर तीन था, क्या इसमें से फॉस्फेट निकला है? नहीं निकला है ना। तो मैं इसीलिए कह रही कि देखिए ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये कभी भी नहीं, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का कभी भी नहीं टूटता है, क्लियर। ये कभी भी नहीं टूटता है हमेशा, और ये फॉस्फो एनहाइड्राइड जो बॉन्ड होता है ये मोर एनर्जेटिक बॉन्ड होता है, और जो एटीपी के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है, क्लियर। एक चीज़ और, ठीक है, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे एक चीज़ और बता देते हैं। और देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एक छोटा सा लिख दे रही हूँ, देखिए हाँ पेंटोस होगा, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख देते हो, P डबल बॉन्ड, मैं दूसरे कलर से इसका यूज़ करती हूँ, देखिए ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ पे हो जाएगा O CH2, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका इस टाइप, ठीक है, ये हो गया। अब कहने का सेंस ये है, अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर OH H, यहाँ पे अगर अगर ये DNA है तो यहाँ पे H होगा, अगर O अगर RNA होगा तो OH होगा, ये आप जानते ही हो। तो सपोज करो यहाँ पे OH है या H है, ऑब्लिक H भी कर सकते हो, जो भी कर लो, ठीक है। अब देखिए अगर इसी, अब ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा कार्बन 5 हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे होगा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगी, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, CH2 O हो जाएगा, और यहाँ पे आपका P हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा और यहाँ पे N है, ये इसको हम थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं CH2, ठीक है, ये हमारा 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, और ये आपका 4 पोजीशन, 4 पोजीशन से आपका 5 लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, ये आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ये ऐसे है CH2, ये बॉन्ड ऐसे है, ठीक है, ये इसके ऊपर है ऐसे CH2 5 पोजीशन ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि हमारे दो न्यूक्लियोटाइड हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड का ये एक, अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ेंगे तभी तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तभी तो डीएनए का स्टैंड बनेगा या आरएनए का स्टैंड बनेगा, जो भी बने, ठीक। अब क्या होगा, जो जो फॉस्फेट होगा, ठीक है, इसका कार्बन 3 और इसके 5 कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 3 और 5 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से भी ये H2O निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, H2O निकलेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा बॉन्ड फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर था, नाइट्रोजनस बेस था, फॉस्फोरिक एसिड था, और जो फॉस्फोरिक एसिड पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, और क्या बोलते हैं पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फर्स्ट वाले के एसिड में हमको क्या पता फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और बाकी जो दो बॉन्ड थे वहाँ पे फॉस्फो क्या एनहाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और फिर इसी तरीके से ये आपका चेन जो है किसी भी डीएनए स्टैंड जो होता है जुड़ता चला जाता है और आपका बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहा, कैसे उसको बनना है, और इसके साथ ही फिर आगे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।